हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करते हैं जिसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना है। ये अपना ए बी स्पान है, ए एंड फिक्स है। इस पे 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है अनइक्वल डिस्टेंस पे। इसका आई दिया 2i। बी सी स्पान पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसका स्पान लेंथ है 3 मीटर और इसका आई दिया हुआ है। और एक बी सी डी स्पान है 3 मीटर का, इसका इस पे कोई लोडिंग नहीं है, इसका वैल्यू आई दिया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था सारे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे फॉर स्पान ए बी के लिए। ये स्पान है हमारा ए बी, अनइक्वल डिस्टेंस पर लोड लग रहा है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है बेंडिंग मोमेंट का डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया 12 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही स्पान बीसी के लिए सॉल्व करेंगे। बीसी स्पान पे हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ये इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया 2.25 किलो न्यूटन मीटर। फॉर बी से डी स्पान के लिए सॉल्व करेंगे। बी डी स्पान पे कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारा बी डी स्पान पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड मोमेंट फॉर स्पान ए बी के लिए। एम एफ ए बी, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। ए बी स्पान पे एम एफ ए बी निकालना, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मैंने सारा वैल्यू डाल दिया, ये आ गया अपना माइनस 7.2 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही एम एफ बी ए निकालेंगे प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन में एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस। ये सॉल्व कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा प्लस 4.8 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही फॉर स्पान बीसी के लिए भी सॉल्व करेंगे। बीसी स्पान पे हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, इस केस में हमारा एम एफ ए बी जो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया माइनस 1.5 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही एम एफ सी बी के लिए सॉल्व किया, ये आ गया प्लस 1.5 किलो न्यूटन। और एम एफ स्पान बी डी के लिए एम एफ बी डी इक्वल टू एम एफ डी बी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है। जब लोड जीरो है तो हमारा फिक्स्ड मोमेंट भी जीरो होगा। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में ज्वाइंट लिखते हैं, सेकंड में मेंबर, थर्ड में रिलेटिव स्टिफनेस, फोर्थ में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, और लास्ट में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? टोटल स्टिफनेस अपॉन रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस। इसको मैंने सॉल्व किया, अपना देखिए क्वेश्चन में समय एक ही ज्वाइंट है अपना बी, ठीक है। बी से तीन मेंबर जा रहे हैं, बी से ए, बी से सी और बी से डी। ये लिख दिया, बी अपना ज्वाइंट है, बी ए मेंबर है, बी सी मेंबर है, बी डी मेंबर है। रिलेटिव स्टिफनेस जब हमारा फार एंड फिक्स होता है बी से ए के लिए, हमारा फार एंड जो है वो फिक्स है, इस केस में हमारा रिलेटिव स्टिफनेस एट बी हो जाएगा आई अपॉन में एल। आई अपॉन में एल, आई दिए हुआ है 2i, इस वैल्यू को मैंने पुट किया 2i अपॉन 5। स्पान लेंथ ये 5 मीटर है, ये आ गया 2i अपॉन 5। ऐसे ही बीसी के लिए सॉल्व किया, बी से सी के लिए देखिए, बी से सी के लिए बी हमारा फिक्स एंड है और सी जो है ये हिंज है, पिन ज्वाइंट है। पिन ज्वाइंट के केस में हमारा रिलेटिव स्टिफनेस हो जाता है 3/4 आई अपॉन एल। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये आ गया आई अपॉन 4। ऐसे ही बीडी के लिए सॉल्व किया, आई अपॉन एल फिक्स एंड है, फार एंड फिक्स है, तो आई अपॉन एल होगा, तो आई अपॉन 3 हो जाएगा, स्पान लेंथ 3 मीटर है। अब इन तीनों को जो भी रिलेटिव स्टिफनेस एंड पॉइंट जी एट ज्वाइंट बी आया है, उसको हमने सबको ऐड कर दिया। ऐड किया हमारा आया 59 आई अपॉन में 60, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया, रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में ये सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस करती, ये हमारा आ गया 0.406, 0.254, 0.340। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप, उस पर हम एमडीएम टेबल बनाते हैं। ये मैंने लिख दिया ए बी सी, और बी ज्वाइंट है हमारा बी से, बी ए मेंबर जा रहा है, बी डी जा रहा है, बी सी जा रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जस्ट इसके नीचे मैंने लिख दिया। अब जो हम लोगों ने फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट किया था उसको लाके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपना जो सी ज्वाइंट है, सी पॉइंट है, इस पे हमारा सपोर्ट जो लग रहा है वो हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे कोई भी मोमेंट एक्ट नहीं करता, इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी मोमेंट इस पे आ रहा है उसका अपोजिट हैंड के साथ यहाँ पे लिख देंगे, और इसका हाफ कैरी ओवर जाएगा बी ज्वाइंट पे सेम साइन के साथ। ये मैंने कर दिया, उसके बाद ये मैंने प्लस किया नीचे लिखा, फिर इसको प्लस किया नीचे लिखा, इसको प्लस किया नीचे लिखा, इन दोनों को प्लस करके यहाँ नीचे लिख दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे ये जीरो आ जाएगा। ये हमारा इनिशियल मोमेंट होता है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं इसको। बैलेंस कैसे करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, जो भी ज्वाइंट पे हमारा मोमेंट एक्ट कर रहा है उन तीनों को ऐड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अपोजिट साइन के साथ उसके नीचे लिख देते हैं। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ये हमारा बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद फिर से हमारा आता है कैरी ओवर। कैरी ओवर ऑलवेज फिक्स एंड पे होता है, यहाँ फिक्स एंड केवल एक ही बच रहा है ए एंड। ए एंड पे हमारा कैरी ओवर कितना जाएगा, इसका हाफ जाएगा, 1.03 का हाफ हो जाएगा 0.52, बाकी कहीं कैरी ओवर नहीं होगा। उसके बाद इनको सम करेंगे, यहां से यहां तक सम करके यहां पे लिख देंगे सेम साइन के साथ, 7.20 माइनस 0.52 ऐड करेंगे, यह आ जाएगा हमारा इतना। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिख देंगे, इसको ऐड करके यहां लिख देंगे, इसको ऐड करके यहां लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे, जीरो आएगा। ये हमारा फाइनल मूवमेंट आ गया। फाइनल मूवमेंट के बाद हमारा एक बी, जो बी और डी जो स्पान आ रहा है उस पर हमारा ये माइनस 0.87 मूवमेंट एक्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारा एम डी बी होगा उस पर कितना एक्ट करेगा, जितना भी ये मूवमेंट आ रहा है इसका हाफ, इसका हाफ कर दिया मैंने, ये आ गया माइनस 0.43 किलोन्यूटन मीटर। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है ड्रॉ बी एम डी। बी एम डी कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी हमने फाइनल मूवमेंट निकाला है ये माइनस 7.2 ए पे है, ये हमारा ये पॉइंट है, इस पर कितना लग रहा है माइनस 7.72 लग रहा है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज इस पर लगा दिया मैंने, ये पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, ये गया अपना 7.72। उसके बाद बी से ए पे प्लस 3.77 एक्ट कर रहा है, बी पॉइंट ये, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मैंने लगा दिया, ये गया अपना 3.77। उसके बाद बी से सी के लिए कितना, माइनस 2.9, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लगा मतलब ये भी ऊपर ले जा रहा है, 3.77 के नीचे होगा। और हमारा सी पे मूवमेंट जीरो है, ये सी पे मूवमेंट जीरो, इस लाइन्स को हमने मिला दिया। उसके बाद अपना बी डी स्पान है, बी डी स्पान के लिए बी से डी के लिए कितना आया, माइनस 8.87, इसको माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मैंने लगाया, इस साइड पुश किया, यहाँ गया ये 0.87 आ गया, उसके बाद मैंने सीधा किया। उसके बाद मैंने ये कैलकुलेट किया है कि एम डी बी कितना आएगा, माइनस 0.43, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने ये मोमेंट लगाया, ये आ गया 0.43, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। उसके बाद अपना बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ए बी एस स्पान के लिए कितना 12 आया था और बी सी एस स्पान के लिए 2.25 आया था। ये ए बी एस स्पान पे पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड के लिए अपना ट्रेंगल बनता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बी सी पे लग रहा है, बी सी एस स्पान पे, तो बी सी एस स्पान पे हमारा पैराबोला बनता है, ये पैराबोला मैंने बना दिया। बी से डी स्पान पे कोई लोडिंग कंडीशन नहीं है, इसके लिए हमारा कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं बनेगा, ये हमारा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, अपना कमेंट हमें जरूर दें, आपका फीडबैक हमें वीडियो इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू।